गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक इन माई क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल को डिस्कस किया था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बेल में कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सा काम करता है। अब इस सारे फिनोमिना को, सारे स्ट्रक्चर को एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल का जो वर्किंग स्टार्ट होता है वो होता है, सबसे पहले हमको क्या करना है, स्विच को ऑन करना है। तो देखते हैं पहले फिगर से किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक बेल को वर्किंग करते हैं। देखिए, व्हेन वी प्रेस द स्विच देन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द इलेक्ट्रो मैग्नेट। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इलेक्ट्रो मैग्नेट में फ्लो कर रहा है और ये सर्किट से कंप्लीट होते हुए हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेट क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। When electromagnet magnetizes, then it starts attracting the armature. Now, when armature is pulled towards the electromagnet, then hammer attached to the armature strike the gong to produce a sound. Okay? Now, yes. Then electromagnet attract the armature. Okay. Now, when armature is pulled towards the electromagnet, then the contact between the interrupter and armature is broken. Is it clear? So that the circuit incomplete. Now circuit becomes incomplete. ठीक है, circuit incomplete है जिसके वजह से current क्या होगा, circuit में flow नहीं करेगा, electromagnet no longer attract the armature. क्या लिखेंगे यहाँ पर, electromagnets no longer attract the armature. Here a spring pulled back the armature to its initial position. ठीक है, a spring क्या करेगा, armature को पीछे की तरफ क्या करेगा, इसको pulled back कर लेगा. Now when a spring pulled back the armature, then again the circuit's complete and electric current starts flowing to the electromagnet and electromagnet again start attracting the armature. In this way, there is a continuous ringing sound produced by the electric bell. So this is the basic and simple structure and working of electric bell. Is it clear? सबको समझ में आये? जल्दी बताइए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब देखिए working से explain करते हैं. तो देखिए, when electric current is supplied to the electric bell, ठीक है? इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रिक करंट देना है, यानी कि जनरली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में देंगे. इलेक्ट्रिक बेल का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा. देन इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइजेज एंड अट्रैक्ट्स द आर्मेचर एंड हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग प्रोड्यूसिंग साउंड. यहां तक सबको क्लियर हो गया? आर्मेचर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. हैमर कहां पर था, आर्मेचर के एक इंड पे था. ठीक है, एक इंड पर स्प्रिंग लगा हुआ है और दूसरे इंड पर क्या लगा हुआ है, हैमर लगा हुआ है. किसके, आर्मेचर के. आर्मेचर के, ठीक है, आर्मेचर के एक एंड पर क्या लगा हुआ है, हैमर. हैमर और दूसरे एंड पर क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग. स्प्रिंग, ठीक. अब ये हैमर गोंग पर स्ट्राइक किया तो क्या प्रोड्यूस किया, साउंड. साउंड प्रोड्यूस, वन साउंड, एक साउंड. कितने साउंड प्रोड्यूस किया, एक साउंड, वन साउंड. देखिए उसके बाद देखिए, हियर अ स्प्रिंग move away from the screw and breaks the circuit. अब armature क्या हो गया, वहां से screw से अलग हो गया है, अब circuit क्या हो गया, break हो गया है. ठीक है, as circuit is broken, electromagnet no longer attracts the armature. अब electromagnet क्या करेगा, इसको attract नहीं कर पाएगा. तो जब attract नहीं कर पाएगा तो ये क्या होगा, पीछे की तरफ वापस अपने position पर आ जाएगा. Armature is pulled back by the spring which brings it back to contact its position to the complete the circuit. ठीक है, जैसे पीछे आ जाएगा फिर सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. करेंट अगेन स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल. क्वाइल का मतलब किसमें, क्वाइल का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्वाइल में. एंड द साइकिल इज रिपीटेड ऑटोमेटिकली टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. ठीक है, एक साइकिल एक सेकंड में कितना बार, 50 टाइम्स. 50 हर्ट्ज.
ठीक है। अब देखिए एक लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर इसमें हैमर को हटा देंगे, अगर इसमें हैमर को हटा देंगे तो क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा हैमर और गोंग को हटा देंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा? नो सर। ठीक है, तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा? इसमें बजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, घर। ठीक है, आप लोग बजर देखे हैं, क्यूज कॉन्टेस्ट में बजर बजता है, घर घर टाइम होता है ना, बजर। एक होता है बेल और एक होता है बजर। बजर में रिंगिंग साउंड होता है, घर घर वाइब्रेशन का आवाज होता है। तो अगर वाइब्रेटिंग आर्मेचर बी डॉट हैमर एंड गोंग, गोंग और हैमर को हटा देंगे तो कैसा काम करेगा? बजर के जैसा काम करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जल्दी से वर्किंग को नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इस फिगर में आपको सब कुछ वर्किंग समझ में आ जाना चाहिए। देखिए जैसे ही स्विच ऑन किए, है ना, जैसे क्या किया, स्विच ऑन किए, करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर से निगेटिव करंट जो है, निगेटिव करंट भी जो है इस तरह से जाना चाहिए हमको। ठीक है, अब देखिए जब हम करंट फ्लो सर्किट, ये कॉन्टेक्ट है, जब ये कॉन्टेक्ट में है तब ये करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आर्मेचर जब आगे मूव किया तो पॉइंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, पॉइंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको पुल बैक करेगा। स्प्रिंग क्या करेगा, पुल बैक करेगा इनिशियल पोजीशन पर। जैसे इनिशियल पोजीशन पर आएगा फिर से करंट फ्लो करेगा और ये हैमर इस पर टन टन साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं फिगर सबको? यस सर। यस सर। चलिए इसको एक्सप्लेन करेगा, फर्स्ट एक्सप्लेन इसको करेगा हर्षित। हर्षित सिन्हा, कैन यू एक्सप्लेन दिस? यस सर। ओके स्टार्ट। सर पहले करंट पास करेगा, उसके बाद फिर ये स्क्रू में जाएगा, उसके बाद आर्मेचर को नहीं ले इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेटाइज करके आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और फिर स्प्रिंग उसको पीछे खींच लेगा, फिर से मैग्नेटाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर से आर्मेचर को अट्रैक्ट कर लेगा, फिर टन टन साउंड प्रोड्यूस होगा गोंग पे, उसको बोलेंगे रिंगिंग साउंड। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिंगिंग साउंड। ठीक है, नेक्स्ट आयुषी, आयुषी कुमार एक्सप्लेन दिस। जल्दी बोले, एक्सप्लेन करना, यस या नो? नेक्स्ट आलोक, आलोक रंजन। बोलिए जिस तरह से आता है उस तरह से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आता है उस तरह से बोलिए। यहाँ पर स्प्रिंग कहाँ पे है? यहाँ पर शायद स्प्रिंग, यहाँ ये स्प्रिंग है, ये चलिए ठीक है। तो आप लोग से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सारा होमवर्क है आपको इसको रिमेम्बर करना है, सारे बच्चों से हम एक एक करके पूछेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। सर एक बार फिगर दिखा दे सर, फिगर बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, फिगर अच्छा से नहीं आया मेरा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स, गुड नाइट।